और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य रोड शो से पहले एक भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। दशाश्वमेध घाट के गंगा पार 1000 ड्रोन से शो किया गया है, जिसको देखने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंचे और 4 दिन तक ये ड्रोन शो यूं ही चलेगा। दशाश्वमेध पर जो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, उस गंगा आरती के बाद ये ड्रोन शो किया गया और इसमें काशी के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेक्ट को भी दिखाया गया। देखिए आप भी। आकाश में तारों सा टिमटिमाता कमल, हजारों ड्रोन की रोशनी से आसमान में ट्रैक पर दौड़ती वंदे भारत ट्रेन दिखाई जा रही है। बीजेपी सरकार के कामकाज को ड्रोन के जरिए अद्भुत अंदाज में दिखाया जा रहा है। अनोखी तस्वीरें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हैं, जहां 1000 ड्रोन ने अद्भुत कलाकृतियां बनाई और दिखाया कि पिछले 10 सालों में शहर का कितना विकास हुआ है। ड्रोन शो के दौरान दशाश्वमेध घाट के गंगा पार 1000 ड्रोन हवा में उड़ते नजर आए और बेहद खूबसूरत नजारा बनाया। इस शो में कमल का फूल, गंगा विलास क्रूज और नमो घाट का नजारा दिखाया गया। ड्रोन शो गंगा आरती के बाद हुआ। इस दौरान काशी की संस्कृति भी दिखाई गई। हजारों ड्रोन से कमल का फूल, डमरू, विश्वनाथ दरबार, गंगा विलास क्रूज और नमो घाट का नजारा और अब की बार 400 पार के नारी की आकृति भी बनाई गई। इस शो को देखने के लिए 88 घाटों पर करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे। खास बात ये रही कि शो लगातार 4 दिनों तक चला। हम मौजूद हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर और यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से आप देखें कि जो आसमान की जो छटा है वो बिल्कुल अलग है। पिछले 10 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के विकास के लिए क्या क्या कुछ किया है, ड्रोन शो के माध्यम से इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। और आप देखिए कि देखिए जो जिस तरीके से वाराणसी के गंगा में जो क्रूज चल रहा है उसको इस ड्रोन के माध्यम से दिखाया गया है। इसके पहले हमने देखा था कि नमो घाट की वो तस्वीर थी, इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, यानी जो जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों के दौरान वाराणसी के विकास के लिए किया है उसकी जो झलक है वो वाराणसी के लोगों को इस वक्त ड्रोन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस ड्रोन शो को देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर आप देखिए कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। पीएम मोदी 14 मई को नामांकन करेंगे, इससे एक दिन पहले यानी 13 को वो रोड शो भी करेंगे। वो तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में उनका ये रोड शो बेहद खास होगा। बीजेपी कार्यकर्ता वाराणसी में घर घर जाकर पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होने का निमंत्रण पत्र बांटेंगे। इस दौरान शहर में मिनी भारत की झलक दिखाई देगी। रोड शो मालवीय प्रतिमा से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर तक होगा। इसके लिए 100 पॉइंट्स तय किए गए हैं।